मेरा नाम अपूर्व है और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग मेरा पैशन। मैं दिल्ली में रहता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर नेचर और वाइल्ड लाइफ में वीडियोस बनाने निकल जाता हूँ। मैं अपने पैशन को एक स्टेप और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और उससे रिलेटेड ट्रैवल वीडियोस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वाइल्ड लाइफ वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मेरा एफर्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। स्वागत है आप सबका एक नए सफारी पे जिम कॉर्बेट में। सुबह के अभी 6:15 बजे हैं और मैं हूँ जिम कॉर्बेट के फेमस ढिकाला जोन के गेट पे। अभी यहाँ सन्नाटा पसरा है लेकिन 15 मिनट के अंदर यहाँ पे ढेर सारे लोग होंगे जो इस रास्ते से सफारी करने जाएंगे। ढिकाला में जो मेन सफारी का एरिया है और जहाँ सबसे ज़्यादा एनिमल्स देखने के चांस है वो यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक बस पहुँचने में ही 1 घंटे लग जाएंगे अगर हम किसी जानवर के लिए रास्ते में ना रुके तो। इस बार नॉर्मल जिप्सी को छोड़ के मैं जा रहा हूँ एक कैंटर सफारी पे, जो कि मेरी लाइफ की फर्स्ट कैंटर सफारी होने वाली है। कैंटर एक तरह की बस होती है जिसमें 16 लोग एक साथ सफारी पे जाते हैं। तो अब घड़ी में 6:30 हो चुके हैं और टाइम है पार्क में एंटर करने का। मैं फर्स्ट टाइम इतने लोगों के साथ सफारी पे जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि या तो मैं किसी स्कूल की पिकनिक पे जा रहा हूँ या फिर जॉइंट फैमिली के साथ घूमने। ढिकाला जोन जो जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस जोन है उसमें सफारी की बात करें तो यहाँ 2 तरीके से सफारी कर सकते हैं। एक तो ये कैंटर्स जो जिम कॉर्बेट में सिर्फ ढिकाला में ही चलती है। सेकंड है नॉर्मल जिप्सीज, लेकिन आप यहाँ सिर्फ जिप्सी बुक करके सफारी नहीं कर सकते हैं। जिप्सी का ऑप्शन तभी मिलता है जब आप ढिकाला के अलग अलग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में स्टे की बुकिंग करते हैं, जिसको बुक करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है ड्यू टू हाई डिमांड। ढिकाला में टोटल 4 लोकेशन हैं जहां आप रह सकते हैं और उनके नाम हैं सुल्तान, गैरल, सर्बदुली एंड फाइनली ढिकाला। और ये जो लोग अभी हमारे कैंटर से उतरे हैं ये हैं फॉरेस्ट गार्ड्स, जिनमें से एक मेरे बगल में ही बैठे थे। इनका काम बहुत रिस्की और कठिन होता है। ये फॉरेस्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और गार्डिंग भी करते हैं, और इनकी रक्षा के लिए इनके पास बस एक लाठी होती है। इनके कारण ही हमारे जंगल शिकारियों से सेफ है। तो ये है सुल्तान, ढिकाला का पहला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। देखिए कॉर्बेट पार्क जो यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ 1936 में स्टेब्लिश हुआ। इसका जो टोटल एरिया है पार्क का करीब 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसके एंट्रेंस के 6 गेट हैं, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं इसको ढिकाला बोलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये पूरा नेचुरल फॉरेस्ट है, यहाँ से 31 किलोमीटर तक यही जंगल है, ठीक है। अब इसमें जैसे अभी हम लोग जिस गेट में जा रहे हैं इसे ढिकाला बोलते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं गेस्ट हाउस है, यहाँ पे सुल्तान फर्स्ट गेस्ट हाउस है। तो इस तरह से 4-5 स्टेशन बने हुए हैं। लास्ट स्टेशन जो है ढिकाला है। इसकी जो लाइफलाइन मानी जाती है रामगंगा रिजर्वायर अभी रास्ते में पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी देखिए इसमें जो एनिमल है, कैट में हमने टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जंगल कैट है, लेपर्ड कैट है, 3-4 तरह के डियर हैं। सबसे बड़ा सांबर होता है, सेकंड नंबर पे स्पॉटेड डियर, थर्ड नंबर पे बाकिंग डियर, फोर्थ नंबर पे हॉग डियर। बाकी अदर एनिमल में जैसे वाइल्ड बोर, पीकॉक, जंगल फाउल, एलिफेंट, ये सब जानवर यहाँ पर है। नेचुरल है, कहाँ पे क्या दिखेगा दे कुड बी ट्राई एंड डिपेंडेड योर लाइफ। पूरे पार्क में नंबर ऑफ टाइगर 260 टाइगर काउंटेड है। हर 3 साल में इसको काउंट करते हैं, बच्चे को काउंट नहीं करते क्योंकि वो फुल ग्रोन होगा या नहीं होगा, जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। एक टाइगर का जो एरिया होता है 10 स्क्वायर किलोमीटर उसकी टेरिटरी होती है, उसी टेरिटरी में अंदर बाहर रहता है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ से आप लोग भी थोड़ा देखते रहिएगा। जहाँ पे हमें लगेगा हम रोक लेंगे, आपको लगेगा बता दीजिएगा हम रोक लेंगे। कोई भी रैपर वगैरह नीचे थ्रो आउट नहीं करना। तो ये थी हमारे सफारी की ब्रीफिंग और अब सारे टूरिस्ट को एक टास्क मिल गया है कि वो चारों तरफ अपनी नज़र रखें और जैसे ही कोई जानवर दिखे वो कैंटर को रुकवाएं।
और हमें अपना पहला जानवर दिखा। ये है बार्किंग डियर। बार्किंग डियर एक छोटा हिरन है और एवोल्यूशन यानी क्रम विकास के हिसाब से ये हिरणों में शायद सबसे पुराना है और धरती पे 150 से 350 लाख साल पहले देखा गया था। इसको बार्किंग डियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये खतरे में आवाज़ निकालता है तो वो भौंकने के जैसा होता है। और साथ में इसके ये बर्ड है कलीज फेजेंट, और ये कलीज फेजेंट फीमेल है। फेजेंट को हिंदी में तीतर कहते हैं और ये फेजेंट बर्ड उसी फैमिली से आते हैं जिससे मुर्गी, टर्की, मोर जैसे भारी आकार के धरती पर रहने वाले बर्ड्स आते हैं। 2021 में कलीज फेजेंट को बर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर घोषित कर दिया गया है। ये जो बरसाती नाले हैं, मॉनसून में इनके चलते ढिकाला का कनेक्शन हर साल कम्प्लीटली टूट जाता है और मॉनसून के बाद रोड्स को फिर से चलने लायक बनाना पड़ता है। इसीलिए ढिकाला जोन 15 नवंबर से शुरू होता है। और ये है हमारे भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला हिरन। एक नॉर्मल बस की तरह कैंटर में भी आगे बैठने में ही भलाई है, वरना जंगल के इन खराब रास्तों पे सबसे पीछे की सीट पे आराम से बैठना इम्पॉसिबल है, दैट टू विद अ कैमरा। अभी पतझड़ का मौसम है और जंगल में चारों ओर ऐसे ही पत्तों की चादर बिछी हुई है। और फिर से वही बार्किंग डियर। अब कैंटर सफारी में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि गाइड जो कि आगे बैठे हैं उनके एंगल एंड पीछे बैठे टूरिस्ट के एंगल में बहुत अंतर है। जो एनिमल गाइड को साफ दिखे ज़रूरी नहीं वो पीछे वालों को भी वैसा ही दिखे। ये जो जिप्सी जा रही है ये ढिकाला के रेस्ट हाउस में चेक इन करने के लिए जा रहे हैं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आप एक बार में 2 दिन से अधिक नहीं बुक कर सकते हैं और इन 2 दिनों के लिए ये जिप्सी एंड ड्राइवर आपके साथ ही कैंपस में रहेंगे। और थोड़ी दूर चलने पे हमारे गाइड ने इस पेड़ के पास कैंटर को रोका और गौर से देखने को कहा। ये है टॉनी फिश आउल। टॉनी भूरे नारंगी रंग को कहते हैं जो इस उल्लू के पंखों में होता है, और फिश आउल उन उल्लुओं को कहते हैं जो मेनली मछलियों का शिकार करके खाते हैं। ये नदियों और तालाबों के आसपास रहना पसंद करते हैं और शाम और रात में शिकार करते हैं। और ऐसे ही हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और जो भी बर्ड या एनिमल मिल रहा है उसके लिए रुक जा रहे हैं। इस कैंटर में कोई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नहीं है और सारे फैमिली टूरिस्ट हैं जिनको स्पॉटेड डियर देखने में भी एक्साइटमेंट हो रही है। ढिकाला का रास्ता ही इतना लंबा है कि अच्छी खासी धूप अभी ही हो गई है, जो टाइगर साइटिंग के लिए सही नहीं है, लेकिन मेरे आज तक के जिम कॉर्बेट के एक्सपीरियंस में टाइगर नहीं दिखा और मैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जा रहा हूँ। और यहाँ फिर से हमें एक कलीज फेजेंट दिखा जो मेल है। कलीज फेजेंट ओमनीवोरस होते हैं और फल, बीज, कीड़े मकोड़े सब कुछ खाते हैं। तो अब फाइनली हम ऑलमोस्ट ढिकाला के ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास पहुंचने ही वाले हैं। इन सब ग्रासलैंड में टाइगर्स बहुत एक्टिव हैं और उनको यहाँ देखने के चांसेस सबसे अधिक हैं।
यहाँ पता चला है अभी अभी एक टाइगर इसी रास्ते पे आने वाला है और दूसरे लोग भी उसका ही वेट कर रहे हैं। तो हमारे कैंटर ने भी जल्दी से पोजीशन ले ली है और अब हर कोई चौकन्ना होके उस टाइगर का वेट कर रहा है। मैं भी अपने कैमरा को लेके रेडी हूँ और ग्रासलैंड की ओर उस टाइगर को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तभी उस टाइगर ने रोड क्रॉस किया जिसकी साइटिंग कैंटर में आगे बैठे लोगों को अच्छे से हुई, और जब तक मैंने कैमरा घुमाया और सेटिंग ठीक किया तब तक ये टाइगर फिर से ग्रासलैंड में चला गया। तो कैंटर में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस एंगल से आगे के लोग देख रहे हैं उस एंगल से शायद आपको वो जानवर दिखे ही नहीं, और जब तक आप कैंटर को एडजस्ट करवाएं तब तक सारी कहानी खत्म। तो इतने सालों तक जिम कॉर्बेट में सफारी करने के बाद ये थी मेरी यहाँ की फर्स्ट टाइगर साइटिंग, जो कि मजनू भाई की पेंटिंग से कम नहीं है। एंड फाइनली ढिकाला का कैंपस आ गया है, और ये जो अभी टाइगर की एक्टिविटी हुई थी ये ठीक इसके बाहर ही हुई है, और यहाँ हमारी कैंटर एक ब्रेक के लिए रुकेगी। ये है ढिकाला FRH का फेमस पॉइंट, जहां से आपको रामगंगा रिवर का अमेजिंग व्यू मिलता है। तो छोटे से ब्रेक के बाद अब वापस से टाइम है सफारी कंटिन्यू करने का, और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां वो टाइगर गया हो या फिर आने वाला होगा। वापस से सारे लोग ग्रासलैंड की ओर देख के उस टाइगर का वेट कर रहे हैं, और जहां हर कोई उस टाइगर का वेट कर रहा है मुझे मिला कुछ इंटरेस्टिंग। ये हैं ग्रे लंगूर, और इनको हनुमान लंगूर भी कहते हैं। लंगूर को जंगल में अलार्म कॉल्स यानी चेतावनी देने के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अगर इसने कॉल दिया तो टाइगर या लेपर्ड होने के पूरे पूरे चांस हैं। लेकिन अभी तो ये आपस में खेलने में बिजी हैं। हमारी तरह और भी लोग अपनी पोजीशन लेके फिर से टाइगर का वेट कर रहे हैं। ये जिप्सी के सारे टूरिस्ट यहीं ढिकाला कैंपस में रुके हैं, लेकिन हमें अपनी सफारी कंप्लीट करके वापस पार्क के बाहर जाना है, तो हम एक स्पॉट पे ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते। हम थोड़ा और आगे एक बड़े से ओपन ग्रासलैंड की ओर जा रहे हैं। यहां हमें एक स्पॉटेड डियर का झुंड मिला। और थोड़ा आगे जाने पे फिर से घास पे कुछ छोटे छोटे जानवर का झुंड दिख रहा है, लेकिन इस बार ये छोटे जानवर सबसे बड़े जानवर निकले। ये हाथियों का झुंड अभी हमसे बहुत दूर है और ये नदी की तरफ जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट में लगभग 450 से 550 हाथी हैं। तो वापस टाइम आ गया है इस सुंदर से लैंडस्केप से निकलने का, और इसी के साथ हमारी सफारी एग्जिट की जर्नी भी शुरू हो गई है। हमारे कैंटर को 11:30 बजे तक एग्जिट गेट पे पहुंचना है।
इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, और अगर इस सफारी का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा हो या इससे आपको कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सफारी पे।